बंदूक से जो ऐलान किया गया था, हम लोगों को वहीं पहुंचना है। और चूंकि पूरे प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, इसलिए हमने हमेशा सब्र से काम लिया है। तमाम लोग की बजाय जो है सच्चे पक्के आशिक रसूल होकर मोहम्मदी चौक पर सिर्फ जमा हो, तो वहीं से खामोशी के साथ अपना आज जो डिसीज़न आया, जिसके ऊपर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें थी, और जाहिर सी बात है कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी कौम ने एक सब्र का पैगाम दिया है। अल्लाह का एहसान है कि मुस्लिम कौम ने एक अच्छा पैगाम दिया, शांति बनाए रखी। मैं पूरी मुस्लिम कौम का शुक्रगुजार हूँ। और उसी बिना पर मैंने कल के हालात, जो आज जो हालात हुए हैं शहर के अंदर और देश के अंदर, उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए शहर के अंदर शांति और अमन को बरकरार रखने के लिए मैंने अपनी कौम से दरख्वास्त की है कि कल वो ईद मिलादुन्नबी के मौके ऊपर जो हर साल जो जुलूस निकाला जाता है, वो शांति और सुकून और अमन को बरकरार रखने के लिए के खातिर और शहर के शांति अमन के खातिर उस जुलूस को कल हालात की वजह से कल कैंसिल किया जाए, ताकि शहर के अंदर अमन और बरकरार रहे। एक लंबी तादाद होती है, उसको काबू करना, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। और कोई शरारती तक तो वो कुछ करना दे या मौके का फ़ायदा उठाकर शहर की फिज़ा ना बिगाड़ दे, इसलिए सारे हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी तरफ से देवास के आवाम को मुखातिब करते हुए एक अपनी अपील जारी करी है, एक लेटर जारी करा है, ताकि कल जुलूस ना निकाला जाए, जिसकी वजह से कोई शहर की किसी तरह की कोई फिज़ा को बिगाड़ ना सके कोई। जुलूस के अलावा बाकी जो प्रोग्राम है, जो आयोजन हैं, मिलाद वगैरह जो भी जिसको जो करना है, तकरीर के प्रोग्राम, बयान के प्रोग्राम हैं, कुरान खानी, फातिहा वगैरह प्रोग्राम है, वो करते रहें, उसमें कोई प्रशासन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो एक महदूद जगह पर होते हैं, जुलूस एक बेकंट्रोल मामला होता है, जिसमें नौजवान और नासमझ तबका भी होता है, और किसी शरारत को या असामाजिक तत्वों को उसका फ़ायदा उठाना आसान होता है। इसलिए मेरी सिर्फ दरख्वास्त जुलूस को रोकने की है, और वो मैंने अपनी मुझे मैंने मेरे समाज मेरे मुस्लिम कौम से अपील की है, और मुझे उम्मीद है मुस्लिम समाज जुलूस को लेकर कार्यक्रम होगा, व्यवस्थित से होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। पूरे देवास की गरिमा को, देवास के सम्मान को, पूरे समाज को, और केवल देवास में ही नहीं, पूरे देश में एक नया संदेश देने के दृष्टिकोण से कल का कार्यक्रम होगा। क्योंकि ये बहुत पुराना कार्यक्रम, हमेशा से सबसे पहले देवास से ये प्रथा शुरू हुई थी, तो निश्चित रूप से इसको निरस्त करना तो ठीक नहीं होता। लेकिन इस कार्यक्रम को बहुत छोटे प्रारूप में और जुलूस को निरस्त करके एक ही जगह पे नमाज पढ़ के, फातिमा पढ़ के, दुआ करके, वहीं से कार्यक्रम करके लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से घर जाने का निवेदन करेंगे। और निश्चित रूप से काजी साहब हैं, राजमाता साहब हैं, और देवास के प्रशासनिक सभी अधिकारियों को मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन लोगों ने एकजुट मिलकर देवास की एकता के लिए हमेशा से खड़े रहे हैं, और मेरे स्वर्गीय पिता महाराज तुकोजीराव पवार ने तो हमेशा देवास की एकता के लिए अपना खून पसीना बहाया है, निश्चित रूप से देवास में कोई गलत हरकत, गलत चीज़ नहीं होगी। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से कल का कार्यक्रम हो, यही आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं पूरे देवास में ये मैसेज भी देना चाहूँगा। और ये जो कार्यक्रम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ये जो कार्यक्रम में जो संशोधन किया है काजी साहब के मार्गदर्शन द्वारा, ये भी मैं आप सबको निवेदन करना चाहूँगा कि देवास के सभी लोगों तक इस मैसेज को, इस संशोधन को आप पहुँचाने का काम करें, देवास की एकता, देवास की अखंडता को बनाए रखने का काम करें, यही आप सब लोगों से निवेदन। आपने एक सेतु का काम किया है, आप काजी साहब से मिले, तो शहर की जनता के लिए क्या अपील करेंगे आप? शहर की जनता के लिए मेरी केवल एक ही अपील है, जो जिस प्रकार से, जिस एकता से, जिस शांतिपूर्वक तरीके से आज का भी पूरा दिन निकला है, और जिस तरीके से पूरे की पूरी देवास ने अपनी अपने प्यार प्रेम का जो संदेश दिया है, निश्चित रूप से आगे भविष्य में भी वो इसी प्रकार से करते रहे। मैं, राजमाता साहब, हम सब लोग निश्चित रूप से हमारा जितना भी योगदान इसमें हो सकेगा हमेशा देते रहेंगे, और ये तो आज दिया है, आगे भविष्य में भी पूरी जान हमारी सुपुर्द है देवास के लिए। देवास का पूरा प्रशासन समझाता रहा, पिछले 8 से 10 घंटे हो गए इनको समझाते, और अब ये निर्णय निकल के आया कि कल जुलूस निकलना है, तो क्या लगता है? जुलूस नहीं निकलना है, नहीं निकलना है, जुलूस नहीं निकलना, नहीं निकलेगा। आप समझे ना, जुलूस नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा जी। तो एक ही जगह पे एकत्रित होके, पुराने बस स्टैंड पे सब लोग एकत्रित होंगे,
पुराने बस स्टैंड पे ऊपर होके उनके नमाज के बाद वो फातिमा का फातिमा पढ़ेंगे, फातिमा के बाद